जैन फैंस, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यार डिफेंस क्लास में। साथियों, आज की स्टूडियो हम बात करें साथियों बिहार स्टेट से रिलेटेड एक वैकेंसी के बारे में जो हाल ही में दोस्तों निकल कर आ रही है यहाँ पे, तो इसके बारे में आपको ए टू जेड अपडेट बताऊंगा साथियों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा यहाँ पे। तो बात करते साथियों बिना देरी के यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे देख सकते दोस्तों पोस्ट अगर आप रहने वाले हैं आपको दोस्तों बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 यहाँ पे। तो आइए इसके बारे में आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा साथियों। तो शुरू करते हैं आइए दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट आपका जो है वो आपका 2 दिसंबर 2023 इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला दोस्तों। वहीं पर बात करें साथ साथ दोस्तों लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो रहेगी साथियों इसमें वो 22 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी साथियों। सो नोट डाउन कीजिएगा इसको, ठीक है फ्रेंड्स। आपका स्टार्टिंग डेट से यहाँ पर लास्ट डेट, वहीं पर बात करें दोस्तों अभी एग्ज़ाम डेट की तो अभी मेंशन नहीं किया गया है साथियों, इसके लिए अभी भी टाइम है। सो बात करें दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर सिंगल पेपर के लिए आप देख सकते हैं जनरल BCEWS वाले के 960 रुपये फीस, ओके। वहीं पे बात करें साथियों SC ST PH कैंडिडेट वालों के लिए जो फॉर सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो आपके लिए 760 रुपये फीस पे करने पड़ेगा उन लोगों को, ओके। और बात करें दोस्तों सभी पेपर के लिए फॉर ऑल बोथ पेपर दोस्तों यहाँ पे, तो बात करें इसके लिए जनरल BCEWS वालों के लिए 1440 रुपये फीस पे यहाँ पे। वहीं पे बात करें दोस्तों यहाँ पे SC ST PH कैंडिडेट वालों के लिए, तो उसमें दोस्तों 1140 रुपये फीस पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसमें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन आपका रहेगा साथ यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BACB से रहेगा आपका, ओके, जो कि आपका जॉब लोकेशन रहेगा। और यहाँ पे बात करें दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज दोस्तों आपका 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी, जिसमें दोस्तों मिनिमम आपका जो है वो 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और अधिक से अधिक दोस्तों आपका 37 ईयर्स होना चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ओके। वहीं पर बात करें दोस्तों यहाँ पे फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए दोस्तों रहेगा आपका 40 ईयर्स रहेगा उन लोगों के लिए, ओके। वहीं पे बात करें दोस्तों यहाँ पे पोल नंबर और पोस्ट की, तो नंबर और पोस्ट साथ इसमें आप देख सकते हैं 7288 पोस्ट इसमें रहेगा साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं 7288 पोस्ट रहेगा साथियों, ओके। अब बात करते हैं इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, जिसके आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर आपका नंबर और पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर सेकेंडरी के लिए आप देख सकते हैं 1 to 5 क्लास के आप देख सकते हैं दोस्तों 5543 पोस्ट। वहीं पे बात करें दोस्तों सीनियर सेकेंडरी के लिए, जिसमें आपको दोस्तों क्लास 6 से लेकर 8 तक आपको रहेगा दोस्तों 1745 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। और वहीं पे बात करें दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए, तो हम पेपर 1 के लिए देखते हैं जो कि सिंगल पेपर है, उसमें आपका दोस्तों यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट विथ आपका DLED होना चाहिए फॉर, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशल एजुकेशन एंड CRR, या साथ साथ दोस्तों कैंडिडेट के पास 10+2 के साथ उर्दू डिग्री या मालवी डिग्री आपका होना चाहिए, यानी कि आपका अदर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए दोस्तों। वही में दोस्तों आपका साथ साथ इसमें दी गई है कि आपको कैंडिडेट 10+2 के दोस्तों बांग्ला, ठीक है, आपको यहाँ पे बांग्ला डिग्री विद भी अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे दोस्तों यहाँ पे भाषा दी गई, जैसे कि उर्दू हो गया आपका, बांग्ला हो गया, इस पे आपका होना चाहिए नॉलेज। वहीं पे बात करें दोस्तों पेपर 2 के लिए, तो सीनियर सेकेंडरी के लिए दोस्तों आपका जो है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, जिसमें आपका 50% मार्क्स अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों, जिसमें आपका दोस्तों मार्क्स होना चाहिए आपका 50% आपका BEd में मार्क्स होना चाहिए, जो कि आपका साथ साथ स्पेशल एंड CRR नंबर, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और साथ साथ बात करें दोस्तों अदर BEd, जैसे आपके स्पेशल BEd सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड CRR नंबर आपका होना चाहिए दोस्तों, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे साथियों। बात करें डॉक्यूमेंट्स के दोस्तों यहाँ पे, तो आपका जो है आप देख सकते हैं इसमें कि फ़ोटोग्राफ्स रहेगा आपका, ठीक है, स्कैन फोटो कॉपीज यहाँ पर रहेगी दोस्तों, 10th का 12th का मार्कशीट यहाँ पर, ठीक है। और वही बात करें बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका दोस्तों, जिसमें आपका सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, BEd सर्टिफिकेट एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपकी रहेगी दोस्तों, जिसमें आपका कैटेगरी यानी कि आपका
किस कैटेगरी से है उसका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके साथ रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई दोस्तों, तो आपको अप्लाई कैसे करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाइए और जल्दी से इसके लिए अप्लाई कीजिए दोस्तों। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हो तो सिलेक्शन विल बी डन रिटन एग्जामिनेशन के तौर पर आपका सिलेक्शन होगा साथियों। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कर दोस्तों यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, चूँकि बिहार की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।